दशकों से पूर्वांचल पिछली सरकारों की अनदेखी के चलते मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहा था और कई गंभीर बीमारियों के अभिशाप से भी ग्रस्त था। ऐसी ही एक बीमारी जिसे JES, AES, जापानी एंसेफलाइटिस, जापानी बुखार या दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल के लिए अभिशाप बन गई थी। वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण के लिए अनेकों कदम उठाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर शौचालय निर्माण से दैनिक जीवन में स्वच्छता पर जोर दिया, जिससे देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई। आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आम जन को जोड़ा। इसी का परिणाम है कि आज आम नागरिक इलाज में खर्च की चिंता किए बिना अपना इलाज समय पर करवा पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल को एम्स की सौगात दी। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण को व्यापक बनाया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो समस्या के मूल कारण से भलीभांति परिचित थे, उन्होंने सांसद रहते हुए भी बार बार इस बीमारी की गंभीरता और इसके उन्मूलन के लिए लगातार आवाज उठाई और लगातार प्रयास करते रहे। मुख्यमंत्री जी ने जापानी बुखार के पूर्वांचल से उन्मूलन को प्राथमिकता बनाया। इसके लिए 7 विभागों के समन्वय से इस पर नियंत्रण की योजना बनाई, टीकाकरण अभियान को घर घर तक पहुंचाया, प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर शौचालय बनवाए, जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचारी रोग अभियान व घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की, आसपास के क्षेत्रों की सफाई करवाई। इसके सार्थक परिणाम आए और जापानी बुखार के केसों में गिरावट आई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से हर गांव तक मुफ्त इलाज की सुविधा पहुंचाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वर्षों की मेहनत का ही परिणाम है कि आज पूर्वांचल के साथ साथ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जापानी बुखार के प्रकोप से बाहर निकल आया है और इससे होने वाली मृत्यु दर में 95% तक की कमी आई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर की 9 अत्याधुनिक लैब्स का लोकार्पण किया जा रहा है, जहां जापानी एंसेफलाइटिस सहित विभिन्न कीटाणु व विषाणु जनित बीमारियों का परीक्षण और शोध कार्य किया जाएगा। अब सैंपल जांच के लिए बड़े शहरों में नहीं भेजना पड़ेगा और सही इलाज तुरंत शुरू हो सकेगा, जिससे पूर्वांचल के जनपदों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। वैसे ही शुरू हो गया गोरखपुर का खाद कारखाना। आप देख सकते हैं उत्पादन प्रारंभ। प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन यूरिया के उत्पादन की क्षमता वाला ये अद्भुत खाद कारखाना, जो किसानों की यूरिया की जरूरत को पूरा करेगा, यूरिया की उपलब्धता के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और रोजगार के नए अवसर के साथ समृद्धि के द्वार खोलेगा। इस कारखाने के बारे में ये देखते हैं। हमारी अन्नदाता जिनका कठोर परिश्रम और तप है देश का गौरव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण को दी है सर्वोच्च प्राथमिकता। गत 7.5 वर्षों में बीज, बीमा, बाजार और बचत सभी पर हुआ है चौतरफा काम। अच्छी क्वालिटी के बीज, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन, खाद सब्सिडी में वृद्धि जैसे सभी कदम किसानों की समृद्धि को है समर्पित। हमने तय किया किसानों को जितना चाहिए उतना यूरिया देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले मेरे देश में जो कारखाने बंद पड़े हैं उनको चालू करेंगे। देश में छोटे छोटे किसानों की संख्या है 10 करोड़ से भी ज्यादा। पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता है अहम। प्रधानमंत्री जी ने बंद पड़े खाद कारखानों के जीर्णोद्धार और क्षमता में वृद्धि पर दिया विशेष ध्यान। इसी क्रम में 2016 में देश के पूर्वी राज्यों में
वर्षों से बंद पड़े 3 खाद कारखानों को फिर से शुरू करने के लक्ष्य के साथ हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की स्थापना करने का बड़ा निर्णय लिया गया। गोरखपुर का खाद कारखाना 30 वर्षों से ठप पड़ा था। बंद पड़े कारखाने के कारण लोग लंबे समय से परेशान थे, बहुतों की नौकरियां छिन गईं, तो कारखाने के कारण चलने वाले अन्य कारोबार भी सिमटते चले गए, जिसके कारण एक बड़ी आबादी के रोजी रोजगार पर संकट आ गया। खाद की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित थी, जिसका जमकर फायदा बिचौलिए उठाते थे। यूरिया की जमाखोरी और कालाबाजारी होती थी। अधिक दाम पर खाद खरीदने के दबाव के कारण मेहनती किसानों पर आर्थिक मार पड़ती थी, तो बिना खाद के फसल नुकसान का डर सताता रहता था। गोरखपुर खाद कारखाने को फिर से चालू कराने की लोगों की मांग पर पहले की सरकारों के वायदे सिर्फ खोखले ही साबित हुए थे। इस निराशा भरे माहौल को बदलने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सांसद रहते हुए लगातार आवाज उठाई। किसानों के हितों को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर खाद कारखाने के पुनरुद्धार की आधारशिला रखी और आज गोरखपुर की धरती साक्षी बन रही है उस ऐतिहासिक अवसर का, जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर खाद कारखाना किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पित। 8600 करोड़ में बना गोरखपुर खाद कारखाना प्रतिदिन 3850 मीट्रिक टन यूरिया और 2200 मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का करेगा उत्पादन। ऊर्जा कुशल, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल गोरखपुर खाद कारखाने से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा के किसानों को भी सहजता से उपलब्ध होगा नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया से कालाबाजारी पर लगेगी रोक और बीज से बाजार के संकल्प को मिलेगा बल। यह छोटे किसानों की आय बढ़ाने में निभाएगा बड़ी भूमिका। कारखाने के संचालन से गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र छुएंगे विकास की नई बुलंदी को। करीब 20,000 रोजगार के अवसर होंगे उपलब्ध। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण। इसके अलावा क्षेत्र के पारंपरिक उद्योग धंधों को भी मिलेगा बढ़ावा। आजादी के इस अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राष्ट्र और विशेष रूप से हमारे अन्नदाता को समर्पित ये खाद कारखाना माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को देगा नई मजबूती। आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर भी राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके खूबियों और लाभ के बारे में एक फिल्म आइए देखते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के कल्याण के लिए उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण समझा और इस दिशा में उन्होंने एक के बाद एक कई कदम उठाए। 2014 से पहले बदहाल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत में सुधार लाने के लिए उन्होंने तेजी से विकास किया और आज देश चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह पर है। देश में नए मेडिकल कॉलेज बनवाए, विश्व स्तरीय चिकित्सा तकनीकों को अपनाया, न्यू हेल्थ पॉलिसी और ई हेल्थ जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत देश में 23 नए एम्स का निर्माण कराया। फिट इंडिया मूवमेंट, योगा डे, आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जैसी मुहिम शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को 2 एम्स की सौगात दी है। पूर्वांचल का व्यक्ति बीमार होता था तो उसे पता नहीं चलता था कहां जाऊं, कैसे जाऊं, इलाज कहां करवाऊं। ये पूर्वांचल को एम्स देकर के मैंने यहाँ के गरीबों की बीमारी की भी चिंता करने का काम ईमानदारी के साथ किया है मेरे भाई। गोरखपुर में 1011 करोड़ की लागत से 112 एकड़ में विस्तृत 18 स्पेशलिटी व 17 सुपर स्पेशलिटी विभागों वाले एम्स का निर्माण कराया गया है। देश का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल एम्स, जिसमें इलाज करवाने के लिए प्रदेश के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, वो एम्स अब गोरखपुर में आ गया है।
जिससे पूर्वांचल के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड सहित पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी उच्च स्तर की चिकित्सकीय सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा। 750 बेड और 14 ऑपरेशन थिएटर की क्षमता वाले गोरखपुर एम्स में सिटी स्कैन, एमआरआई एवं अल्ट्रासाउंड की सुविधा सहित कई गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा के 25 से अधिक पाठ्यक्रमों सहित एमबीबीएस की 125 सीटें हैं। गोरखपुर एम्स के निर्माण से स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और आवागमन बढ़ने से स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। आज आजादी के 75वें वर्ष को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर एम्स को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती देगा। सोच ईमानदार, काम दमदार।